हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा चिकित्सा सुविधा योजना का आवेदन करना। इस योजना से क्या लाभ है आपके लिए, इसमें हर साल आपके लिए 3,000 रुपये मिलेंगे। तो इस योजना का आवेदन कैसे करेंगे तो मैं आपके लिए वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए आपके लिए क्या करना है, मोबाइल या फिर कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसमें लिखना है आपके लिए यहाँ पर CSC लॉगिन। तो मेरा ये पहले से इसमें लिखा हुआ है CSC, तो मैं इसे सर्च कर ले रहा हूँ। सर्च करने के बाद आपके लिए थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सेवा पोर्टल, तो मैं इस डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाकर के क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आ रहा है ये लॉगिन का साइन। तो मेरी आईडी इसमें पहले से ही गाइस लॉगिन है, तो उससे मुझे लॉगिन नहीं करना है, केवल आईडी तो उसमें भी पहले से ही पड़ी हुई है। तो यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मेरी जो आईडी इसमें पड़ी हुई है वो लॉगिन होने लगेगी। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए सर्च बॉक्स मिल जाएगा और इसमें लिखना है आपके लिए यूपी, यूपी की थोड़ा स्पेस देना है और यहाँ पर मिलेगा लेवर रजिस्ट्रेशन। लेवर रजिस्ट्रेशन पर जाकर के आपके लिए क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा मैं वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा स्लो चलेगा ये साइट। फिर यहाँ पर इस कंडीशन से ये पेज खुल के आ जाएगा। फिर हमें करना है थोड़ा स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर लगा हुआ है लॉग इन पैनल, तो यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर आईडी इसमें डालूंगा, तो इसमें गाइस मेरा पहले से ही आईडी बना हुआ है CSC का, तो ये मेरी आईडी है, तो इस पर मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा पासवर्ड और ये आईडी पहले से ही सेट है। फिर मुझे यहाँ से करना है CSC लॉग इन पर क्लिक। CSC लॉगिन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा मैं वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। करने के बाद इस कंडीशन से आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रमिक पंजीयन, और यहाँ पर लिखा हुआ है श्रमिक नवीनीकरण, और यहाँ पर लिखा हुआ है योजना आवेदन। तो हमें करना है योजना आवेदन पर क्लिक। क्लिक करने का थोड़ा मैं वेट करना है क्योंकि ये साइट बहुत स्लो चल रही है गाइस। तो गाइस योजना आवेदन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस कंडीशन से पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन पत्र, और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपया आधार नंबर की जांच करें। तो यहाँ पर और सेकंड पेज लिखा हुआ है आधार कार्ड का नंबर, तो गाइस हमें आधार कार्ड का नंबर डालना है यहाँ पर। और यहाँ पर दे रहा है ये पंजीयन संख्या, तो हमें क्या केवल आधार कार्ड और पंजीयन संख्या डालना है। तो इसमें क्या है गैस, तो ये एड्रेस वाला और स्थायी पता वाला ये ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है आपके लिए आधार कार्ड नंबर यहाँ से ही डालना है, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ अपना। तो गैस मेरा आधार कार्ड अभी मैंने इसमें डाला था, इसलिए आ रहा है लिखा हुआ नंबर। इससे थोड़ा किया और यहाँ पर थोड़ा इसको डाउन करना है, और यहाँ पर हमें पंजीयन संख्या है वो इसमें डालनी है। तो मेरा पंजीयन संख्या मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं इसमें पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद हमें इस पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन, थोड़ा ये जूम हो गया, थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसे, इससे आ क्या साफ सा देखने लगेगा आपके लिए। तो थोड़ा ये अभी पूरा प्रोसेस हुआ नहीं है, ये आधार कार्ड नंबर और ये पंजीयन संख्या डालने के बाद हमें फिर यहाँ पर दिख रहा है ये सर्च का बटन, तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो वैसे से सर्च करना है, यहाँ से सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा मैं वेट करना है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो चलती है। सर्च होने के बाद इस कंडीशन से पेज खुल के आ जाएगा और यहाँ पर क्या है, इसमें हमने अपना आधार कार्ड का नंबर डाला था और पंजीयन संख्या डाली थी, फिर इसे कर दिया था सर्च। तो इससे क्या है इसमें नाम आने लगेगा और ये जो भी हमारा स्थायी पता है वो यहाँ से दिखने लगेगा जनपद। इसमें क्या है आधा फॉर्म तो ये ऑटोमेटिक ये फिल हो जाता है इसमें आधार कार्ड नंबर डालने से और ये पंजीयन संख्या डालने से। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है इसमें लिखा हुआ है योजना का नाम, तो हमें अपनी योजना चुननी है। नहीं है तो योजना में क्या है यहाँ से इसमें लिखा हुआ है चिकित्सा सुविधा योजना, तो हमें इस पर करना है क्लिक। क्लिक करने का थोड़ा हमें वेट करना है क्योंकि इसके ये जो साइट है बहुत स्लो चल रही है अभी।
योजना चुनने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है योजना का संक्षिप्त सुरंग सुरंगत विवरण। तो यहाँ पर क्या आपके लिए योजना लिखा हुआ है चिकित्सा सुविधा योजना, इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये तो उसमें लिख जाएगा। फिर इसके बाद आ रहा है संलग्न का विवरण। तो वैसे इसमें क्या देना है आपके लिए, आधार कार्ड का एक फ़ोटो स्टेट लगाना है, यानी स्टेट नहीं स्कैन करना है उसे फ़ोटो स्टेट के लिए, और उस पर अपने सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है पासबुक के समय, तो इसमें एक पासबुक की फ़ोटो स्टेट लगेगी, और वो भी आपके लिए क्रॉप करना है। क्रॉप करके इसे कंप्रेस करना है, 50 से 60 70 80 KB में आपके समथिंग लग जाएगा। तो इसे यहाँ टिक करने के बाद आपके लिए यहाँ से चॉइस में जा करके यहाँ से आप अपना इसमें आधार कार्ड चुन सकते हैं, और ये आ रहा है पासबुक के लिए। तो यहाँ से पासबुक इसमें स्कैन करके लगेगा। तो गैस यहाँ से स्कैन दोनों पे टिक करने के बाद आपके लिए फिर यहाँ से इसे करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद और सबमिट करने के बाद आपके लिए यहाँ पर ऊपर की साइड एक नंबर मिलेगा, डी से शुरू होगा। वो डी वाला नंबर आपके लिए योजना का आवेदन का नंबर रहेगा, तो वो आप यहाँ पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। तो गैस इसमें मैंने तो योजना पहले से ही आवेदन कर रखी है, इसलिए मैं इसमें करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो गैस आपके लिए केवल इतना ही करना है। तो गैस इस कंडीशन से ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन फिल हो जाएगा, और उसके होने के बाद आपके लिए इसे यहाँ से प्रिंट कर लेना है, ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। तो गैस आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करना।